तो गाइस फेस का स्माइल देखिए तो आप तक समझ ही गए होंगे कि आज मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। दरअसल एक बहुत पुराना ड्रीम था जो कि आज पूरा होने वाला है। जब मैं यूट्यूब में जो है वो जर्नी में जब पैर ही रखा था, मतलब न्यू यूट्यूबर था, तब से ये मेरा सपना था, मतलब 4-5 सालों से, एंड लाइक वो आज कम है ट्रू होने के लिए। दरअसल मेरे को एक सोनी का कैमरा लेना है और वो भी सोनी का A74 जो कि लगभग 2.5 लाख के अप्रोक्स में आता है एंड लगभग 3 लाख के अप्रोक्स में किट लेंस और लेंस वगैरह मिल करके हो जाता है। तो आज सारा चीज़ आपको दिखाएंगे एंड इतना ज़्यादा मैं हैप्पी इसीलिए हूँ। तो अभी मैंने जो है बैंक मोड में कार पार्क कर दिया है और जाएंगे लेने के लिए। तो चलो आप जो कैमरा मैं लेने वाला हूँ यहीं से लेने वाला हूँ और पहले भी मैं बात बात करके रख लिया था हर एक चीज, फाइनली अब निकालने वाले। तो गाइज ये रहा वो कैमरा सोनी का अल्फा A7 का Mark IV जिसके साथ में 64GB का जो मेमोरी कार्ड आता है और एक्सटर्नल चार्जर और साथ में 3 ईयर का वारंटी भी है ना। चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं। और इसके साथ में किट लेंस भी है जो लाने गए हैं, ESD कार्ड 64GB का 3D। ये हो गया पूरा सामान। तो गाइज अभी सारा कुछ जो है वो चेक वगैरह जो है वो कर लेंगे, क्वालिटीज वगैरह वो आपको आने वाले व्लॉग्स में दिख ही जाएगा। तो अभी कैमरे में जो चार्ज नहीं है सो अभी भैया चार्ज करेंगे और उसके बाद जो है वो चेक करेंगे कि क्या है नहीं है और सारा चीज़ आपको दिखाएंगे। मतलब इतना ज़्यादा लिटरली मैं खुश हूँ ना कैमरा लेने के बाद, क्योंकि ये 4 साल पहले सोचा था कि कोई सोनी का कैमरा लेंगे एंड फाइनली आज जो हूँ ले रहा है। तो चार्ज लगाइए इसको, ये काम देता है बैटरी। और जब तक चार्ज हो रहा है तब तक के लिए जो है इसमें गार्ड भी लगा देंगे ग्लास में, ताकि स्क्रैचेस वगैरह ना आए और साथ में यूवी ग्लास भी लग जाएगा ना इसमें। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें कार्ड भी जो है वो साथ में आ जाता है, तो ये काफ़ी सही है। साथ में एक्सटर्नल चार्जर भी जो है वो इसमें दिया हुआ था और बंडल का बैग भी था। बैग कहाँ, बैग भी वहाँ पे है। तो ये रहा बैग इसके साथ में। सो गाइस अभी तक मैं जो कैमरा यूज़ कर रहा था वो कैनन 200D Mark II था जो कि यहीं से लिया था, ब्लॉग भी बनाया था मैंने, ठीक है। तो वो कैमरा और इस कैमरा में बहुत ज़्यादा फर्क है एंड लाइक बहुत सारा ऑप्शन। सबसे पहले तो मुझे सीखना होगा एंड लाइक कुछ दिनों में ही सीख जाऊँगा, उसके बाद फिर जो है वो आपको मेन चैनल जो मेरा गूगल ट्रिक्स है, बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे जब मैंने लास्ट ब्लॉग जो है बनाया था कि भाई आप ये सब कर रहे हो कि अपने फादर के पैसे से कर रहे हो, क्योंकि मेरा ब्लॉग चैनल में तो अभी 50K सब्सक्राइबर नहीं हुआ था। दरअसल मेरा एक और चैनल है जो मेन चैनल गूगल ट्रिक्स है, जिसमें 5 लाख सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। तो सारा चीज़ जो है वहीं से एंड उसी चैनल का जो क्वालिटी जो है वो अपग्रेड करने के लिए सोनी का जो है वो कैमरा मैंने जो है परचेज़ किया, क्योंकि इससे जो है वो ब्लर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा, कलर ग्रेडिंग ज़्यादा आएगा एंड 10 बिट का है। तो मैंने अभी तक इसका सिर्फ रिव्यू वगैरह देखा है, तो सबसे लेटेस्ट में अभी तक का सोनी का सबसे बेस्ट कैमरा यही मुझे लगा। इसमें और भी बहुत सारा लेंसेस आता है तो वो लेंसेस वगैरह मैं देखूंगा और धीरे धीरे करके बाय करूंगा। फिलहाल जो है किट लेंस से सारा शूट होगा। तो जिन्होंने मेरा गूगल ट्रिक्स चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर के चेक कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर मैं सिखाता हूँ कैसे आप हाउ टू अर्न मनी कर सकते हो, वो भी ऑनलाइन, ठीक है। तो अभी इसके साथ में जो भी है एंड बिल वगैरह लेकर के निकलते हैं। सो गाइज मैंने सोचा था कि मैं किट लेंस जो हूँ लूँगा, बट मैंने फिर किट लेंस को जो है कैंसिल करवा दिया, बिकॉज 2470 का जो है वो G Master II एक और लेंस आता है, तो वो लेंस जो है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम एंड कलर कॉन्ट्रास्ट हो गया या ब्लर हो गया हर एक चीज़ बहुत तगड़ा आता है, मतलब वो प्रीमियम लेंस होता है। और लेंस का अगर मैं रेट की बात करूँ तो जितना का ये कैमरा है ना लगभग उतना ही का जो है वो लेंस आता है। तो मैं G Master या G Master II दोनों में से एक लूँगा, तो इनको मैं कल तक बता दूंगा, बिकॉज दोनों अवेलेबल नहीं है, तो वो परसों तक आ जाएगा। तो फिलहाल जो मैं कैमरा लेकर के चला जाता हूँ और जो किट लेंस साथ में मिला था वो कितना का था, किट लेंस कौन सा है, 2470 अच्छा, तो जो किट लेंस है वो 2870, बट उसमें क्या है कि कोई ब्लर इफेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई ब्लर नहीं रहेगा एंड लाइक उतना ज़्यादा वो प्रीमियम नहीं है। ऑफकोर्स वो लगभग कितना प्राइस आ रहा था, वो लगभग 20,000 का आ रहा था। और 50mm भी एक लेंस है जो लगभग 19,000-20,000 का, वो भी अप्रॉक्स में आ रहा, तो उसमें क्या है कि मुझे ब्लर मिल जाएगा, लेकिन वो क्या है 50mm है एकदम फिक्स, मतलब दूर रखना होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं एक बार डिसाइड कर लेता हूँ कि लेंस कौन सा लेना है, बट फिलहाल मैं डायरेक्टली कैमरा ले लेता हूँ और वही लेकर निकलता हूँ और फिर आपको सारा चीज़ दिखाता हूँ। और मेरे पास एक मेरा एक फ्रेंड है, उसके पास भी 50mm लेंस है, तो वो सारा चीज़ मैं एक बार चेक वगैरह कर लूँगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं और निकलते हैं। फिलहाल जो है वो अभी मैं कैमरा और इसके साथ मेरे को SD कार्ड जो फ्री में मिला वो और चार्जर और बैग ये सारा कुछ है, तो सारा चीज़ जो है वो लेकर के निकलते हैं, ठीक है। और बैग का भी लुक काफ़ी ज़्यादा अल्फा का बैचिंग के साथ में और इतना सारा चैन, तो इसके एक अनबॉक्सिंग प्रॉपर वीडियो जो है वो नेक्स्ट वीडियो में ला कर दिखाऊंगा, जिसकी कैमरा में क्या था, बैग में क्या क्या एंड लाइक कितने सारे चैन्स एंड लाइक कितना प्राइस है, उस व्लॉग में मैं पूरा चीज़ बता दूंगा जो कि इसका अनबॉक्सिंग व्लॉग होगा, तो वो इसका नेक्स्ट व्लॉग में आ जाएगा। सो गाइस बिलिंग वगैरह सारा चीज़ जो मेरे GST नंबर पर मिल गया एंड लाइक बहुत ज़्यादा खुश हूँ यार।
तो चलो अब सारा सामान लेकर के जो है वो चलते हैं, अब कार में रखते हैं और निकलते हैं यहाँ से। बस एक चीज का दुख है कि लेंस जो है वो ले नहीं पाया वो, क्योंकि मुझे और प्रीमियम लेंस चाहिए था, जैसा कि मैंने बताया 2470 का जी मास्टर 2 जो कि काफी प्रीमियम आता है, तो वो लेंस लेंगे तो अभी चेक वगैरह नहीं कर पाऊंगा, तो जब तक लेंस नहीं आएगा तब तक यूज नहीं कर पाऊंगा, फिलहाल जुगाड़ लगाते हैं। और हाँ गाइज, आज का जो व्लॉग शूट किया वो शूट किया कैफ, हाय कर दो कैफ। ठीक है, तो सारा आज का व्लॉग यही शूट किया है, ठीक है, क्योंकि आज तौकीर काफी ज्यादा बिजी था, है ना तौकीर? बहुत ज्यादा। आज सुबह से ही तौकीर इधर उधर निकला हुआ, हालांकि हम लोग को सुबह में ही आना था और कैमरा खरीदना, बट देखो तौकीर फिर आया, फिर रात हो गया, एंड आज मुझे भी काफी ज्यादा जो है वो काम वगैरह था, तो आज सारा शूट किया, तो थैंक्स। एंड लाइक अब हम लोग निकल रहे हैं, एंड आपको बहुत जल्द मेरे मेन चैनल का क्वालिटी बहुत ज्यादा इनहेंस होने वाला है। सो गाइस, कैमरा खरीद लेने के बाद अभी हम लोग जो है वो आ चुके हैं बिग बाजार में, बिकॉज यहाँ 8th फ्लोर पे जो है ट्रोपोस्फीयर है, क्योंकि तौकीर और कैफ का काफी ज्यादा डिमांड था कि भाई कैमरा कर दे तो पार्टी बनता है, भले छोटी सी पार्टी बट बनता है, ठीक है। और कैफ आज फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग में है ना, सेकंड टाइम, तो चलो हम लोग जो है खा लेते हैं, पी लेते हैं, क्योंकि मतलब खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, ठीक है, तो गलत मत समझना। तो चलते हैं अब, थोड़ा धूप भी काफी ज्यादा लग गया था, तो चलो। बाहर पूरा खतरनाक बारिश हो रहा है, पूरा बिजली चमक रहा है, ठीक है। अच्छा हुआ हम लोग जो अंदर ही बैठे थे, नहीं तो सीट भी नहीं मिलती, क्योंकि बहुत लोगों को सीट भी नहीं मिली, और बाहर इतना ज्यादा बारिश हो रहा है वो तो आप देख ही सकते हो, पूरा गर्दा वाला बारिश हो रहा है, ठीक है, तो मस्त मजा आ रहा, ठंडा ठंडा। यहाँ पे वो वाला सॉन्ग लगना चाहिए, चाचा स्विमिंग पूल, वो तो खैर इस छत का जो हमें बचा लिया। फाइनली हम लोग का खाना आ गया, ये है चिकन मुर्गा मुमताज करके कुछ नाम है, आई डोंट नो, और बटर नान, तो अब खुश है ना तुम तौकीर? खुश। चलो हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं और खाना फिनिश करते हैं। सो गाइस, बारिश छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसीलिए हमने थोड़ा सा बिंग करके जो है बाहर निकल गया, और अब हम लोग निकलेंगे घर, और बाहर देखो कितना ज्यादा जो है बारिश अभी भी जो है वो हो रहा है, तो चलो हम लोग जो है वो निकलते हैं फटाफट घर, बिकॉज हमारे घर तरफ बारिश नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ से जो है वो लगभग 18-19 किलोमीटर पड़ता है हमारा घर, तो उधर बारिश नहीं हो रही है, तो इसीलिए हम लोग निकलने का फैसला लिया, बट फिर भी बारिश हो रही है तो हमें क्या भाई दिक्कत है, चलो निकलते हैं। और हाँ, आप लोग कमेंट करके बताना कि ब्लॉग आपको कैसा लगा, एंड कैमरा काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, आने वाले ब्लॉग में आपको उसका जो है वो अनबॉक्सिंग एंड बहुत सारा फुटेज वगैरह भी मैं दिखा दूंगा। सो फिलहाल निकलते हैं, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, मन बात कमेंट करना, और इस तरह और ब्लॉग देख के एंटरटेन होना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय बाय।